सवेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी के पहले अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना 4 दशक पहले देखा था वो अब साकार हो गया है। केंद्र में बीजेपी की लगातार दूसरी बार स्पष्ट जनादेश वाली सरकार है, लेकिन यहां तक का सफर बीजेपी ने रातों रात तय नहीं किया। स्पष्ट जनादेश वाले मुकाम को पाने के लिए बीजेपी ने 34 साल तक का लंबा इंतजार किया, और फिर जिस शान से कमल खिला उसकी गवाह पूरी दुनिया बन गई। देश की सियासत में इस तारीख का बड़ा महत्व है। यही वो तारीख थी जिस दिन आज की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की स्थापना की गई। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई तो जनता पार्टी में फूट पड़ गई। देश में मिड टर्म चुनाव हुए और फिर देश की कमान कांग्रेस के हाथ में आ गई। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद जनता पार्टी के समाजवादी और राष्ट्रवादी दो मुख्य धड़ों में घमासान शुरू हो गया, जिसका असर ये हुआ कि हिंदू राष्ट्रवादियों और समाजवादियों के मिलन से देश में एक नई सियासी दल का जन्म हुआ। जनसंघ के दो बड़े नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी बनाने का फैसला किया। 80 के दशक की शुरुआत में देश की सियासत में करवट बदली। जनसंघ की विचारधारा को मन में लिए एक नई पार्टी का उदय हुआ, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। कमल के चुनाव वाली इस पार्टी के आगे बढ़ाने का दारोमदार था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पर। अपने अपने फन में माहिर दोनों नेताओं ने दिन रात मेहनत से बीजेपी के पौधे को सींचा, जो आज की तारीख में फलदार पेड़ है। पूरी दुनिया में बीजेपी सबसे बड़ा सियासी दल तो है ही, आधे से ज्यादा भारत पर बीजेपी का शासन भी है। दिसंबर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, और यही वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने की तैयारी में जोशों से जुट गई थी। उस दौर में बीजेपी के दोनों बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में घूम घूम के पार्टी का प्रचार करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी बेहतरीन वक्ता थे और उनके भाषण से बीजेपी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही थी। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे, तो दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी भी जी जान से पार्टी को मजबूत करने में जुटे थे। हालांकि बीजेपी की लोकप्रियता वोटों में तब्दील नहीं हो पाई, क्योंकि 1984 चुनाव में बीजेपी का कमल महज 2 सीटों पर ही खिल पाया। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी ने देश की जनता को नया विकल्प दिया था। कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज करने की। स्थापना के 4 साल बाद तक बीजेपी ने अटल आडवाणी के दम पर पार्टी को मजबूत तो बनाया, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों को उस वक्त झटका लगा जब 1984 के चुनाव में बीजेपी के खाते में महज 2 सीट आई, और वो 2 सांसद थे एके पटेल और चंदू पाटिया जंगा रेड्डी। एके पटेल ने गुजरात की महसाणा सीट से चुनाव जीता था और चंदू पाटिया जंगा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की हनामकोड़ा सीट से सांसद बने थे। उम्मीदों के मुताबिक कमल नहीं खिलने से बीजेपी नेता परेशान तो हुए, लेकिन निराश नहीं। बीजेपी ने तय किया कि जिन मुद्दों पर उसने चुनाव लड़ा था उन्हीं मुद्दों को और ज़्यादा अग्रेसिव होकर उठाया जाएगा। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बीजेपी ने अपनी सियासत आगे बढ़ाई, और इसी दौरान एक ऐसा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया जिसने कांग्रेस की बहुत किरकिरी कराई। बीजेपी ने बोफोर्स तोप की खरीद में घोटाले के मुद्दे को खूब हवा दी। हालांकि उस वक्त बीजेपी को यह एहसास हो गया था कि अकेले दम पर देश की सियासत में उसका कुछ भला होने वाला नहीं। यही वजह थी बीजेपी ने साल 1989 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी जनता दल से जुगलबंदी कर ली। गठबंधन की सियासत का बीजेपी को फायदा भी मिला, और 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1989 में 89 सीट जीतने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ बोफोर्स में दलाली का भूत कांग्रेस के पीछे ऐसा पड़ा कि 1989 के चुनावों में कांग्रेस का हाथ सत्ता से बहुत दूर हो गया। ये पहला मौका था जब बीजेपी को सत्ता में साझेदार बनने का मौका मिला था, लेकिन पार्टी नेताओं ने तय किया कि वीपी सिंह सरकार को बीजेपी बाहर से समर्थन देगी, मतलब सरकार के साथ खड़ी तो होगी लेकिन सरकार में शामिल नहीं होगी। सियासी पंडित जानते हैं कि बीजेपी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बताती है, और बीजेपी ने ये दावा सियासत में कई बार साबित किया है। 1989 के आम चुनाव में बीजेपी ने वीपी सिंह के जनता दल के साथ हाथ मिलाया था, और उससे बीजेपी को बहुत फायदा भी हुआ। बीजेपी ने 1989 के आम चुनावों में 89 सीटों पर जीत हासिल की थी, बावजूद इसके वीपी सिंह सरकार में शामिल नहीं हुई। वीपी सिंह सरकार में शामिल न होने का बीजेपी का ये फैसला बाकी सियासी दलों के लिए बहुत चौंकाने वाला था,
क्योंकि आम तौर पर सरकार को समर्थन देने वाली सियासी दल सरकार में शामिल होते थे। और आज की सियासत में तो सत्ता में शामिल होने के लिए सियासी दल हर हद से गुजरते कई बार देखे गए हैं। 90 के दशक में बीजेपी ने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू किया। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा पर बिहार में ब्रेक लग गया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर यात्रा को रोक दिया। बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी से खफा बीजेपी ने केंद्र में वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर और फिर पीवी नरसिंह राव ने देश की कमान संभाली। देश की सियासत में अस्थिरता का माहौल था और ऐसे माहौल में 1991 में आम चुनाव हुए। तब बीजेपी ने 120 सीटें जीतकर दिल्ली की सियासत में अपना कद और बड़ा कर लिया। दिल्ली में बीजेपी ने अपना कद बढ़ाया तो यूपी में सरकार ही बना ली। बीजेपी ने रिकॉर्ड 221 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहला मौका था जब किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी, लिहाजा बीजेपी नेताओं का जोश और हाई हो गया। बीजेपी ने यूपी की कमान फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह के हाथ में सौंपी। एक साल 165 दिन की कल्याण सरकार के खात्मे का दिन भी देश के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को हिंदूवादियों ने अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहा दिया और इसी दिन कल्याण सिंह ने सीएम पद से रिजाइन कर दिया। अयोध्या में 1992 की घटना का पूरे देश की सियासत पर गहरा असर पड़ा। रामलहर के रथ पर सवार बीजेपी और आक्रामक हो गई। पूरे 4 साल बीजेपी ने रामलहर के मुद्दे पर सियासत की और 1996 के आम चुनावों में दिल्ली में पहली बार कमल खिला दिया। बीजेपी से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की बागडोर संभाली, लेकिन महज 13 दिनों में बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिर गई। राजनीतिक पंडित कहने लगे कि बीजेपी को सत्ता चलाना ही नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने तो गिरकर उठने की तैयारी शुरू कर दी थी। एनडीए सरकार के गिरने के 3 साल में ही देश में एक बार फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए। 1999 में जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया और अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार बीजेपी की तरफ से देश की कमान संभाली। पहली बार 13 दिन की सरकार चलाने वाली बीजेपी दूसरी बार 13 महीने तक पहुंची और एक बार फिर सियासी समीकरण बदलने से बीजेपी सरकार गिर गई और देश को एक बार फिर झेलना पड़ा मिड टर्म इलेक्शन। 1996 से लेकर 1999 तक देश में 3 बार आम चुनाव हुए। बीजेपी ने इसी राजनीतिक अस्थिरता को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा और 1999 में एक बार फिर देश में कमल खिल गया। बीजेपी की तरफ से वाजपेयी तीसरी बार देश के मुखिया बने और इस बार बीजेपी ने पूरे 5 साल गठबंधन सरकार चलाकर बड़े से बड़े सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। 5 साल की अटल सरकार और साइनिंग इंडिया के मुद्दे पर बीजेपी ने 2004 का चुनाव लड़ा, लेकिन जो नतीजे आए उससे पूरा देश हैरान रह गया। बीजेपी चुनाव हार गई और एक बार फिर देश की कमान कांग्रेस के हाथ में आ गई। कांग्रेस ने अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी सियासत में बड़ा बदलाव किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 5 साल तो चली ही, 2009 में रिपीट भी हो गई। यही वो दौर था जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2009 का चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी ने 2009 का चुनाव आडवाणी के नाम पर लड़ा, लेकिन लगातार 2 हार से बीजेपी सकते में आ गई। देश की सियासत पर लगातार पकड़ मजबूत कर रही बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका था, क्योंकि एक तरफ तो वाजपेयी के सियासत से दूर होना उसे खल रहा था तो दूसरी तरफ जनता का आशीर्वाद भी उसे नहीं मिल पा रहा था। 2009 से 2014 तक देश में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का शासन रहा और इस दौर में बीजेपी ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हर मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक जनहित के मुद्दों को बुलंद किया। 2013 तक आते आते मनमोहन सरकार घोटाले के जाल में फंस गई थी और बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाकर देश की सियासत में बदलाव की अपील करना शुरू कर दिया। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सियासत में धीरे धीरे दिलचस्पी बढ़ा रहे थे। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर किया और जनता पर मोदी का जादू ऐसा चला कि दिल्ली की सियासत में पहली बार बीजेपी को स्पष्ट जनादेश का स्वाद चखने को मिल गया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने जीत का जादुई आंकड़ा छू लिया। 16 मई 2014 ये वो तारीख थी जिस दिन बीजेपी की सालों पुरानी मुराद पूरी हुई। आम चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड 31% वोटों के साथ 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली की सियासत में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला था
और ये सब जादू था नरेंद्र मोदी के नाम का। मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने दिल्ली की सियासत में वो कर दिखाया था जिसका सपना बीजेपी 1980 से देख रही थी। 2014 में स्पष्ट जनादेश वाली मोदी सरकार ने जनहित के मुद्दों को अपनी लिस्ट में शामिल किया और सबसे ज्यादा नकेल करप्शन पर कसी। पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की और सेना को खुली छूट देकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि नए दौर का भारत है जो दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है। इन्हीं सब मुद्दों के बीच 2019 के आम चुनाव कराए गए। विरोधियों को उम्मीद तो थी कि कमल नहीं खिलेगा, लेकिन कमल तो 2014 के मुकाबले 2019 में और ज्यादा खिला। सियासी पंडित और विरोधी दंग रह गए क्योंकि बीजेपी ने 2019 में तिहरा शतक जड़ दिया। जनता ने बीजेपी को 303 सीट जिताकर अच्छे दिनों के दावे पर मोहर लगाई और शुरू हो गई मोदी सरकार की दूसरी पारी। दो सीट से 303 सीट तक का सफर तय करने वाली बीजेपी आज सियासत के अर्ज पर है। 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हालांकि 2018 में बीजेपी 21 राज्यों में सरकार चला रही थी। इस लिहाज से बीजेपी की कई राज्यों में सरकार चली जरूर गई, लेकिन फिर भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से बीजेपी बहुत आगे है। मोदी युग में बीजेपी का वर्किंग स्टाइल पूरी तरह बदल गया। अटल आडवाणी युग वाली बीजेपी से मोदी और शाह वाली बीजेपी बिल्कुल अलग है। 42 साल में बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा मिल गया। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बीजेपी के समर्थक हैं और इन्हीं समर्थकों के दम पर बीजेपी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। केवल इसी साल के चुनावी गुणागणित को समझें तो बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में सरकार बना ली। इतना ही नहीं, राज्यों में जीतने के दम पर बीजेपी जल्द ही वो मुकाम हासिल करने जा रही है जो अब तक उसकी पहुंच से बहुत दूर था। संसद के उच्च सदन में बीजेपी के सांसदों की संख्या 100 के पार चली गई है। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि इससे पहले बीजेपी 100 के आंकड़ों को कभी छू भी नहीं पाई थी। बदलते दौर में बीजेपी अपने बनाए कीर्तिमानों को ध्वस्त करके आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि आज बीजेपी दुनिया भर की सियासत में शीर्ष पर विराजमान है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।